आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय जयवी सर पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में है तो आप डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। दी सेंटेंसेस which are used for this pray and bless, यानी कि अगर विश करना चाहते हैं आप, प्रे करना चाहते हैं, ब्लेस, यानी कि ये जो वर्ड है ये गॉड के लिए लिखे जाते हैं। यानी कि अगर आप विश कर रहे हैं गॉड के सामने, आप प्रे करते हो गॉड को, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं गॉड से, तो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि ये सेंटेंस मे से स्टार्ट होते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाके फिनिश हो जाते हैं। मे से स्टार्ट होंगे तो अगर आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो आप सेड या सेट टू को चेंज करेंगे विश्ड में, परेड में भी चेंज कर सकते हैं और ब्लास्ट में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इनवर्टेड कोमाज को रिमूव करके कंजक्शन आपका दैट लगेगा, कंजक्शन लगेगा दैट। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब आप गॉड से प्रे कर रहे हैं, गॉड से आप विश मांग रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का कोई इंपोर्टेंस नहीं आप, ऑब्जेक्ट को तो आप बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाएगा जब डायरेक्ट इंडेक्स में चेंज किया जाएगा। तो याद रखना है ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिमूव्ड जब आप डायरेक्ट से इंडेक्ट में चेंज करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट, सेट या सेट टू को चेंज करेंगे विश्ड में, परेड में या फिर ब्लेस्ड में। फॉर एग्जाम्पल जैसे द फादर सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि फादर ने अपने बेटे के लिए विश मांगी है, तो आप सेड या सेड टू को विश्ड में चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, द फादर विश्ड, अब ये हिस्सन यहां से कट जाएगा, कभी लिखो द फादर विश्ड हिस्सन गलत हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमाज को अब रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे यहां पर, दैट यूज करेंगे। ये जो मे है चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, पहले आप गॉड थर्ड पर्सन नो चेंज, गॉड मे को चेंज करते हैं किस में, माइट ब्लेस। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहां पर मिस्टेक होती है। आपको पता है हिसन एक नाउन है, नाउन है। आपको पता प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, अब वैसे तो यहां पर ही माना चाहिए, लेकिन क्योंकि नाउन प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब नाउन की रिपीटेशन हो रहा हो, नाउन को रिपीट कर दिया गया हो। जबकि आपने देखा कि नाउन यहां पर नहीं लिखा गया, तो आप हिज सन को यहां सेम टू सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, हिज सन, ठीक है। ठीक है ना, उसके बाद एक और देख लीजिए, सी सैड, उसने कहा सी सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग माई फ्रेंड्स, मे यू लिव लॉन्ग माई फ्रेंड्स। अब आपने देखा सी ने किससे कहा है, अपने दोस्त से कहा है, तो जो माई फ्रेंड है इसको आप पहले लेकर आएंगे। क्या लिखेंगे पहले आप इसको, आप लिखेंगे सी सेड टू, अब यहां पर चेंज भी करेंगे क्योंकि इन्वर्टेड कोमास के अंदर बाहर निकालेंगे, चेंज करना पड़ेगा। माई कौन सा बनाउन है, फर्स्ट है, फर्स्ट को बदलेंगे सी के अकॉर्डिंग किसमें, हर फ्रेंड, सी सेड टू हर फ्रेंड। अब ये चेंज नहीं हुआ है, चेंज करने लायक बनाया है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ओके।
अब क्या किया गया है, प्रे किया गया है, आप लिखेंगे यहां पर सी प्रेड या फिर आप सी विस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर फ्रेंड यहां से कट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, पहले क्या लगाएंगे यहां पर दैट लगाएंगे, सी विश दैट में चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, पहले यू को चेंज कीजिए, सेकंड पर्सन बनाओ उन्हें, सेकंड को बदलेंगे हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग, वही बात हो गई, सेम टू सेम लिखा जाएगा दैट हर फ्रेंड में को चेंज करेंगे किसमें, माइट में, माइट लिव लॉन्ग, इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये यू है, जैसे ये माई फ्रेंड है, अगर इसको बाहर लेकर जाओगे तो ये प्रोनाउन को चेंज करना है, और अगर यू को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट को आप सेम टू सेम रखेंगे वहां पर, इंपैरेटिव सेंटेंस में इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इतना कुछ करने के बाद में भी आप देखेंगे एग्जाम में हमसे काफी बार ऐसा सेंटेंस पूछ लिया जाता है जिसमें हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको इंग्लिश में हमने टिपिकल सेंटेंस का नाम दिया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट टिपिकल सेंटेंसेस। अब टिपिकल है तो इनका रूल भी टिपिकल ही होगा, तो ये बाकी पीछे के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। सेंटेंस देखिए, जैसे आपने लिखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेलकम, ही सेड टू मी वेलकम। अब क्या किया गया यहां पे, वेलकम किया गया है और वेलकम एक वर्ब है, तो आप सेड या सेड टू को वेलकम में चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे यहां पर ही वेलकम्ड मी, और ये वेलकम यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मेन काम है क्या बताना कि यहां पर वेलकम किया गया है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस है हमारे पास ही सेड टू मी, इसमें कंजक्शन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ही सेड टू मी थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किया गया यहाँ पे, थैंक्स किया गया, तो आप सेड या सेड टू को थैंक्ड में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर ही थैंक्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को उठा के कुछ नहीं लगेगा। अब यहां पर जो ये थैंक यू है ये यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, थैंक यू यहां से कट जाएगा, क्या बच गया आगे, ही थैंक्ड मी वेरी मच फॉर यूअर, को प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा, यूअर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा फॉर माई हेल्प, ठीक है। यहां पे थैंक्स किया गया है, अगर विश कर रहे हैं हम, जैसे हमने कहा आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस, तो क्या करेंगे, विश कर रहे हैं, तो आप सेड या सेड टू को विश्ड में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आई विश्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमास को उठा के कुछ नहीं लगेगा, बस सीधा लिखेंगे आप यहाँ पे आई विश्ड मोहन हैप्पी न्यू ईयर्स, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको टिपिकल सेंटेंस मिल जाते हैं तो आप सेंस के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंपेरेटिव सेंटेंसेज, और आज हमने कुछ डिस्कस किया है सम टिपिकल सेंटेंसेज। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर से मिलते हैं आपके साथ में एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।